चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया पॉइंट। ये पॉइंट में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर वन का बेसिक कंसेप्ट। दो टाइप की एरर होती है, एक एरर होती है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है और दूसरी एरर होती है ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे दिया हुआ है टाइप ऑफ अकाउंटिंग एरर, जिसमें लिखा हुआ है अकाउंटिंग एरर आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स बेस्ड ऑन वेदर दे आर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और नॉट। तो पहली एरर वैसी है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी और दूसरी एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एंड एरर विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करे तो उसमें कौन कौन सी एरर आएगी, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। इसके बाद एक बाय वन हम सारी एरर को डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे बोला हुआ है एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ये ऐसी एरर है बच्चा कि जी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग टू रॉन्ग अकाउंट। रॉन्ग अकाउंट में डाल देंगे तो भी एरर इफेक्ट नहीं करेगी। एरर ऑफ कमिटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ प्राइमरी बुक, स्टार्टिंग में जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे तभी ही आपसे गलती हो जाती है, तो कभी भी एरर आपको रिवील नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी। और लास्ट में है कॉम्पनसेटिंग एरर, ये है कॉम्पनसेटिंग एरर, एक एरर दूसरे एरर को कॉम्पनसेट कर देगी। सारे कंसेप्ट हम डिटेल में डिस्कस तो करने ही वाले हैं बच्चा, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा ये एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती। और ये जो एरर हमें दिए गए हैं वो एरर में क्या है, एरर ऑफ रिगार्डिंग द पोस्टिंग, पोस्टिंग के रिलेटेड एरर होगी जो आप बोलोगे सर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा, मतलब ट्रायल बैलेंस दो साइड टैली नहीं आएगा, ऐसा को कहने का मतलब है दो साइड टैली नहीं होगा, तो वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है एरर ऑफ रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट, आप जब अकाउंट को बैलेंस करेंगे तब आपने बैलेंसिंग अमाउंट, जो बैलेंस आप बोलोगे सर सीडी जो है वो गलत अमाउंट ले ली, तब जाके टैली नहीं होगा। तीसरी एरर, एरर इन द टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, तो आप बोलोगे सर आपने परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न ऐसी सब्सिडरी बुक है या कैश बुक, आप बोलोगे सर इसमें टोटल में कहीं करने में आपने गलती की है, तो वो आपका कभी एरर रिवील जो होगा वो इफेक्ट करेगा, ट्रायल बैलेंस को टैली नहीं होने देगा। और लास्ट में बोला है एरर कमिटेड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, जब ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त हमने कोई बैलेंस लिखना भूल गए या बैलेंस में लिखने में गलती की है तो ये सब कुछ क्या होगा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। तो बच्चा ये दो पॉइंट हमने डिस्कस किए, अब बच्चा इसका थोड़ा थियरी पोर्शन है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा पढ़ना ही है, एरर डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो ये जो पॉइंट है ये हम जो अभी नेक्स्ट सेशन में मतलब वीडियो में डिस्कस करेंगे ये यहाँ से हम डिस्कस करेंगे, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, नेक्स्ट एक एक पॉइंट में लेते जाएंगे। लेकिन ये पैराग्राफ एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको क्लैरिटी आ जाए। तो यहाँ पे बोला हुआ है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू नो वेदर द अकाउंट्स आर अरिथमेटिकल करेक्ट और नॉट। ये डेफिनेशन क्या है, तो ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन है जिसमें बोला हुआ है ट्रायल बैलेंस क्या बताता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी लेवल बताता है कि दोनों साइड टैली हो जाता है, तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी लेवल आप बोल सकते हो प्रॉपर है। आगे चलते हैं, बट इट कैन नॉट बी सेड दैट अकाउंट्स आर परफेक्टली करेक्ट ओनली बिकॉज ऑफ ट्रायल बैलेंस टैली। ये भी बात सिंपल है, आपका दोनों साइड का आंसर आ गया ट्रायल बैलेंस का, तो इसका कहने का मतलब ये नहीं होता कि ये ट्रायल बैलेंस आपने जो टैली किया हुआ है वो परफेक्ट है, कोई भी गलती नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे बोला हुआ है एट द टाइम सेम अकाउंटिंग एरर एग्जिस्ट इवन इफ द ट्रायल बैलेंस टैली, क्योंकि कई एरर ऐसी होती है कि ट्रायल बैलेंस को टैली करने में इफेक्ट ही नहीं होती। कौन सी एरर, तो पांच एरर हमने नाम डिस्कस किए वही है। आगे चलते हैं, सच एरर आर नोन एज अ एरर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। तो वो एरर का नाम क्या है कि वो एरर ऐसी एरर होती है द एरर विच आर नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। आगे चलते हैं, सच एरर कैन नॉट बी डिटेक्टेड इजीली, ऑब्वियसली क्योंकि आपका सब टैली हो रहा है तो आपको ऐसा लगेगा हमारा सही है, लेकिन वो एरर मिलने का चांसेस ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है। आगे चलते हैं, दे कैन नॉट बी नोन बाय द कंपेयरिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट फ्रॉम द ट्रेडर्स, बाय वाउचर ऑफ परचेज, सेल ऑफ असेट और by the correspondence with the bank, by preparing the bank reconciliation statement, by exchange
ऑफ कॉपी ऑफ अकाउंट और द टाइम ऑफ ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट। तो ये क्या पता चलता है कि हमें वो पता चलेगा दे कैन बी नो बाय कंपेयरिंग। तो इतनी चीज़ आप कंपेयर करते हो, BRS बनाते हो, कैश बुक देख लेते हो, रिसिप्ट चेक कर लेते हो, कस्टमर का पेमेंट का चेक कर लेते हो, तब जाके आपको पता चलेगा कि हमारी एरर कहाँ पे हुई है। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं, लास्ट पैराग्राफ। टू रेक्टिफाई दिस एरर वेदर द डिटेक्ट बिफोर और आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस और बिफोर और आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स रेक्टिफिकेशन एंट्री मस्ट बी पास्ड इन जनरल प्रॉपर। तो ये एक ध्यान में रखना, जब भी आपको एरर मिलेगी तो आपको जनरल प्रॉपर में, ये MCQ क्वेश्चन है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे करवा रहा था कि कब कहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा, तो जनरल प्रॉपर में आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। तो बच्चा ये था सिंपल इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना था। तो प्रॉपर नोटबुक में एक बार सिस्टमेटिकली लिख दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कौन से पॉइंट में, तो एरर ऑफ ओमिशन वाले पॉइंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।